दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साइबर थाना पुलिस ने हजार से ज्यादा लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ठगी रैकेट करने वाले 3 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। 2,20,00,000 से ज्यादा के लेनदेन का ब्यौरा दिल्ली पुलिस ने जब्त किया है। 25 से ज्यादा बैंक खातों को किया सीज। आरोपियों के पास से 2,00,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। 15 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, 4 डोंगल बरामद किए गए हैं। आरोपी वैवाहिक साइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों से संपर्क करते थे और बाद में वे पीड़ितों और उनके परिवार के लिए उपहार बेचने का बहाना करते और उनसे कस्टम ड्यूटी के नाम पर धनराशि प्राप्त करते। इसमें पॉल, सैमुअल और चार्ल्स, जिन तीनों को हमने अरेस्ट किया, इनको हम ग्रेटर नोएडा में, इन्होंने अपना एक तरह से ऑफिस एस्टेब्लिश किया हुआ था और वहीं से ये सब लोगों को फ़ोन करते थे, व्हाट्सएप कॉलिंग भी करते थे, फोटोज़ वगैरह अपनी एक्सचेंज करते थे, नकली रिसीट बनवाते थे, कुछ नकली वेबसाइट्स की मदद से ये लोग एक ऑथेंटिक दिखने वाली रिसीट्स वगैरह भी बनाते थे। तो इन्होंने अपना जो गढ़ है वो ग्रेटर नोएडा में बनाया था, जहाँ से हम इन्हें अरेस्ट करके लाए। दिल्ली से BCN न्यूज़ के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।